एक लापरवाही ने छीन ली दो मासूमों की जिंदगी। मुंबई के बांद्रा इलाके में पानी का पाइप फटने से दो बच्चों की मौत हो गई। ये पाइपलाइन झुग्गी बस्ती के पास से गुजरता है, अचानक ही पाइपलाइन फट गया और पानी का सैलाब बस्ती पर टूट पड़ा। जीवन देने वाले पानी ने छीन ली दो बच्चों की जान। कौन है इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार? ये पानी का फवारा दो परिवार की खुशियों को बहा कर ले गया। पानी की धार इतनी तेज है कि 25 से 30 फीट तक उफान मार रही है। लोगों का जमावड़ा है, कई लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपा है दर्द। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा ईस्ट में इंदिरा नगर की हैं, जहां जमीन के अंदर पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से यहां करीब 50 फीट का गड्ढा हो गया। पानी की चपेट में आने से एक 8 महीने का विग्नेश और 9 साल की प्रियंका की मौत हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस दोनों बच्चों की मौत की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बीएमसी, फायर ब्रिगेड समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन को बंद करके पानी के बहाव को रोका गया। पाइपलाइन फटने से आसपास के घरों में पानी भर गया और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। फिलहाल पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।